हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरु जी पर। इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन बीबीएल टीम सिडनी सिक्सर्स वुमेन के बारे में, क्या स्ट्रेंथ इस टीम की, क्या वीकनेसेस है, इस साल इनके ओवरसीज प्लेयर कौन से हैं, प्लस यहां पर इस साल इस टीम की कैप्टनसी कौन कर रहा है, पिछले साल इस टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा, पिछले साल के हाईएस्ट रन गेटर कौन थे, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे, प्लेयर टू वॉच आउट कौन रहेगा, डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग कौन कराएगा, फैंटेसी के टाइम पे आपको कौन से प्लेयर्स को लेके चलना है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहना भाइयों तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, लाइक करना क्योंकि ये वुमेन बीबीएल एसजी फैमिली के नाम रहेगा। तो बिना देरी का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे ये टीम पिछले साल फिफ्थ पोजीशन पे थी, 8 टीम्स कंपीट करती है, बहुत ही खराब सीजन गया था और यहाँ पर इस टीम ने पिछले साल 14 मैचेस खेले थे, 7 जीती और 7 हारी, मतलब कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा था इनका। इतनी भारी भरकम टीम है, एलिसा पेरी खेलती है, एलिसा एली खेलती है, एशले गार्डनर खेलती है, तीन इतनी बड़ी दिग्गज प्लेयर्स है, तो भी ये टीम फिफ्थ पोजीशन पर रहती। रीजन बताऊंगा क्यों थी फिफ्थ पोजीशन पर, तो वहाँ पर बात करेंगे स्क्वाड की, क्या स्क्वाड है इनका, आपको दिख रहा रहेगा यहाँ से। एलिसा पेरी इंजरी से बाहर हो चुकी है, प्रैक्टिस मैचेस के ज़्यादा बताऊँगा आपको, यहाँ पे जस्ट नीचे आपको दिख रहा है हल्का हल्का, यहाँ से आपको दिख रहा रहेगा, चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इंटरा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस के स्टैट्स भी आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बस यहाँ पर आपको स्टैट्स गुरुजी चैनल पे मिलेंगे। तो आपको दिख रहा है एलिसा पेरी साल कैप्टनसी कर रही है, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर है, मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत प्लेयर है, बहुत अच्छी बैटिंग करती है, गेंदबाजी भी बहुत शानदार कराती है, अंडररेटेड प्लेयर है, मतलब कि वुमेन क्रिकेट के अंदर 2 ऑलराउंडर्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट माना जाता है, एक तो सोफी डिमेन आती है, उनका लेवल थोड़ा अलग है, पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है एलिसा पेरी, तो भी बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, इंजरी से थोड़ा सा उभर के आ रही है, अच्छी प्लेयर है, ऐसे दिखेंगे आपको एशले हेली, ये आपको बता रहेगा, कमेंट करके बताना किसकी वाइफ है ये, किसी की तो वाइफ है, बहुत खतरनाक गेंदबाज है, उसका नाम आपको कमेंट करना है किसकी वाइफ है एशले हेली। और यहाँ पे राइट हैंडेड बैट्समैन है, फिर आएंगे यहाँ से विकेट कीपिंग भी यही करेगी, यहाँ से आपको दिखेंगी कौन, एशले गार्डनर, ये वुमेन टीम की मैक्सवेल है, मैं बेफिक्र होकर कह सकता हूँ कि ये इस तरह से बैटिंग करती है, एकदम हार्ड हिटर बैट्समैन, आपने देखा रहेगा उनको, जो आप कौन सी सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन की सीरीज हुई थी ना, उसके अंदर इन्होंने ऐसी ही बैटिंग करी थी मैक्सवेल की तरह, ये क्या करती है सेम मैक्सवेल की तरह, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन डालती है, फिर आपको देखेंगे ऐसे मर्जीना के ऐप, इनका कैसा परफॉर्मेंस है, अभी बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, फास्ट बॉलर है और राइट हैंडेड बैट्समैन है, बैटिंग करती है, पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, ओवरसीज प्लेयर साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ से डेनवर लैग्रेक, इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा था वो भी बताऊंगा, ये कराती हैं लेग स्पिन बॉलिंग, राइट हैंडेड बैट्समैन है, ओवरसीज प्लेयर है किसकी, साउथ अफ्रीका की, यहाँ से आएंगे सारा एली, ये भी अच्छी बॉलिंग कराती है, पिछले साल इन्होंने स्टेप अप करा था, मतलब कि आगे से बॉलिंग कराई थी बहुत अच्छी, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, फिर आएंगी इरिन बर्न्स, ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑफ स्पिन बॉलिंग कराती है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, थोड़ी सी क्लासिक बैटिंग करती है, मैं कह सकता हूँ थोड़ी बहुत यहाँ पर केदार जाधव की तरह खेलती है, फिर आपको देखेंगे यहाँ से स्टेला चैम्पल, ये राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, फिर आएंगे यहाँ से लोरा चिलाटे, जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, फास्ट बॉलिंग कराती है, मतलब कि एक आपको वेरिएशन मिल जाएगा लॉरेन के अंदर, जो लेफ्ट आम पेस बॉलर है, यहाँ से आएगी मैडिन डार्क, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी इतनी, राइट हैंडेड बैट्समैन है, फिर आएंगे ऐसे लिसा ग्रिफ्ती, ये ठीक ठाक खेलती है, बैटिंग भी कर लेती है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कराती है, इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं, वो भी बताऊंगा क्यों, यहाँ से जोड़ी दिखेंगे आपको, राइट हैंडेड बैट्समैन है, पिछले साल इनके लिए नाइटमेयर रहा था, वो भी बताऊंगा, यहाँ से आपको दिखेगा इमा ह्यूक्स, ये है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, फिर आएंगे ऐसे एगेला वेक्स, इनको अंडररेट करा जा रहा है, वो भी बताऊंगा क्यों, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेग स्पिन बॉलिंग कराती है, फिर आएंगे ऐसे एले सिल्वर होम्स, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, वेरिएशन से भरमार गेंदबाज, यहाँ पे रबड़ा की तरह बॉलिंग कराती है, वेरिएशन बहुत अच्छी लाती है, लेंथ बदलती है अपनी, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से आपको क्या दिख रहा है स्क्वाड के अंदर कौन आया, लिसा ग्रिफ्ती आई थंडर्स की तरफ से, यहाँ से एंगेला वेक्स आई है मेलबर्न स्टार्स से, बाहर आई है लॉरेन स्मिथ, थंडर्स के लिए जा चुकी है, एस लेबेट्स को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे इंटर स्क्वाड मैचेस में क्या हुआ था, क्या कहानी रही थी, यहाँ पे इंटर स्क्वाड का मतलब होता है आपस में एक ही टीम, सिडनी सिक्सर्स की टीम आपस में 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर खुद खेल रही थी, तब यहाँ पे 2 मैचेस हुए थे, लेग स्पिनर डेन लैग्रेक ने 4 विकेट निकाले थे, 4 ओवर में बॉलिंग कराई, 20 रन दिए, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज, यहाँ से एशले गार्डनर ने 57 की पारी खेली, फिर से अपना दमखम दिखा, यहाँ से एलिसा पेरी ने 37 की पारी बल्ले से बनाई, प्लस यहाँ पे 2 प्रैक्टिस मैचेस के अंदर दोनों बार 3 ओवर कराए, एक मैच में 2 विकेट निकाले 11 रन देके और एक मैच के अंदर 1 विकेट निकाला 16 रन देके, बहुत ही घातक गेंदबाज प्लस बैटिंग अच्छी करती है, कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी फैंटेसी के अंदर। यहाँ से ऑलराउंडर इरिन बर्न्स ने क्या करा था, सिक्सर्स की तरफ से 40 स्कोर करा था 25 बॉल के अंदर, इनकी प्लेयर टू वॉच आउट रही है सारी, यहाँ पे पॉसिबल 11 क्या रहेगी, सबसे बेस्ट 11 है पूरे सीजन की, यहाँ से एलिसा पेरी ओपनिंग करेगी,
पूरा रोल आपको लिख रखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ से आएगी एलिसा हेली, एशली गार्डनर, इरीन पंस, डेनवर नेग्रिक, मर्जीना कैप, यहाँ से एग्लेर रेक्स, यहाँ से सारा एल, यहाँ से स्टेलन चैम्बल अनकैप प्लेयर है, लॉरेंस चैटली अनप्लेयर है, यहाँ से सिल्वर होम्स भी यहाँ पे अनकैप प्लेयर है। तो देखिए आपको यहाँ से हेली, सिल्वर होम्स, मर्जीना कैप, ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत ही आल ऑब्जर्वेशन है, टॉप ऑर्डर पूरा एकदम 10 में से 10, मिडल ऑर्डर 10 में से 10, बॉलिंग डिपार्टमेंट 9 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये अनकैप प्लेयर थोड़ा सा यहाँ पे खेल बिगाड़ सकती है क्योंकि 8 ओवर तो ये कराएगी मर्जीना कैप और डेनवर नेग्रिक। ये शायद बॉलिंग ना कराए क्योंकि इनको इंजरी भी थी, प्रैक्टिस मैचेस में तो बॉलिंग करा रही थी, शायद मैचेस में कराया ना कराए, तो चलो यहाँ पे 12 ओवर पकड़ लो, फिर ये 8 ओवर बचते हैं ना उसको अपोनेंट की टीम्स टारगेट करने की कोशिश करेगी, ये बॉलर्स को टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनको फ्रंट से लीड करना। पूरे स्क्वाड के अंदर जो इनके इंटरव्यूज हुए थे तो यही बात चल रही थी, तीनों प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे बात करेंगे प्लेयर टू वॉच आउट की, आपको यहाँ से दिखेंगी एस एलिसा पेरी, 6th हाईएस्ट रन गेटर थी पिछले साल, 46 हाईएस्ट विकेट टेकर थी पिछले साल, बॉलिंग से इतना दमखम नहीं दिखाया था। एलिसा हेली ने यहाँ पे 11th हाईएस्ट रन स्कोरर पे फिनिश करा था। एशले गार्डनर 22nd हाईएस्ट रन गेटर प्लस यहाँ पर 21st हाईएस्ट विकेट टेकर थी, मतलब बॉलिंग के अंदर भी अच्छे स्टैट्स है। यूरियन बंस 33 हाईएस्ट विकेट टेकर, 36th हाईएस्ट रन स्कोरर, बॉलिंग भी कराती है, ऑफ स्पिन डालती है। मर्जीना कैप यहाँ पे 11th हाईएस्ट विकेट टेकर थी, 27th हाईएस्ट रन स्कोरर, मतलब बल्ले से भी बहुत आला बैटिंग करती है। वहाँ से डेनवर नेग्रिक, आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊँगा, ये पिछले साल इंजर्ड हुए थे टूर्नामेंट के बीच के अंदर, कुछ 7 या 8 मैचेस उसने खेले नहीं थे, इस वजह से तभी भी 28th हाईएस्ट विकेट टेकर है, 41 हाईएस्ट रन स्कोरर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग कराती है। लेग स्पिनर्स को आपको पता है अंडररेटेड होते हैं। सारे लिए यहाँ पे 28th हाईएस्ट विकेट टेकर थी, ये भी ठीक ठाक बॉलिंग कराती है, ग्रैंडली के अंदर ट्राई करना, ये अपने दिन के हिसाब से चलती है, मतलब अपना मैच रहा ना सारे लीगा तो 2-3 विकेट ले जाएगी, वरना इसको एक ओवर मिलती है मुश्किल से, 2 ओवर मिलेगी, और जब अच्छी डालती है 4 ओवर डालती है पूरे, और 2 या 3 मिनिमम विकेट्स निकाल जाती है। यहाँ से जो प्लेयर टू वॉच आउट रह रहे हैं ये 2 प्लेयर्स हैं, स्टेला चैम्बल 43 हाईएस्ट विकेट थे पिछले साल, 13 मैचेस खेले थे, आई थिंक 6 विकेट या 7 विकेट निकाले थे। यहाँ से सिल्वर होम्स ने 37th हाईएस्ट विकेट टेकर थी, 13 मैचेस में लगभग 8 या 9 विकेट निकाले थे, तो थोड़ी बेटर बॉलर है और ये वेरिएशन से अच्छे डालती है। सिल्वर होम्स हट्टी कट्टी गेंदबाज, अच्छे टप्पे पर डालती है। यहाँ पे ओपन कौन करेगा, यहाँ पे विकेट कीपिंग करेगी कौन, एसला हेली, और यहाँ पे ओपनिंग करेगी एलिसा पेरी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, अंडररेटेड गेंदबाज है, प्लस बॉलिंग अच्छी कराती है, प्लस बैटिंग अच्छी करती है, फील्डिंग अच्छी करती है, और यहाँ पर आएंगी कौन, एलिसा हेली, ये वाईफाई मिचेल स्टार्क के हिसाब से करा था, अटैकिंग प्लेयर है, अटैक करना पसंद है, और यहाँ पे केन विलियम्स की तरह खेलती है एलिसा पेरी, वेरिएशंस के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से खेलती है, बॉलिंग में वेरिएशंस पे अच्छी लाती है, परफेक्ट कॉम्बो रहेगा दोनों के लिए, ओपनिंग के लिए सबसे बेहतरीन लग रहा है। एक तो आराम से डेढ़ वन की तरह टुक टुक खेलेगा, जॉनी बेस्टो की तरह एसलैप हेरी अटैक करने की कोशिश करेगी। यहाँ से मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, आपको दिखेंगे यहाँ से कौन, एंजेला रेक्स, इनको थोड़ा अंडर रेट करा जा रहा है, स्पिन बॉलिंग कराती है प्लस बैटिंग के अंदर ना हिटिंग करती है, ये तो इनकी खासियत यही है कि इसको टीम ने क्यों लिया है। प्लस यहाँ पे लिसा ग्रिफ्ती भी बैटिंग अच्छी खासी करती है और बॉलिंग भी ठीक ठाक कराती है, मतलब बैटिंग ठीक करती है एज कम्पेयर टू बॉलिंग, तो ये दोनों प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। सबसे बड़ा नाम आ रहा है एंजेला रेक्स का, आई जस्ट थिंक शी इज दैट एक्स्ट्रा बैटर फॉर अस इन द मिडल ऑर्डर, और ये कभी इंपॉर्टेंट रहेगी आपको बताऊँ, वी वॉन्ट टू मेक श्योर इफ वी आर एंड हैविंग ए पर्टिकुलर ग्रेट डे, इसका मतलब है कि टॉप ऑर्डर जब दोस्त हो जाएगा ना इनका, तब ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर दे सकती है एंजेला एंड विल हेल्प अस यूज देन। तो कहने का मतलब है ये आपको कब लेना है, जब आप ऐसे टॉप ऑर्डर में से किसी को ड्रॉप कर दे तो एंजेला रेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वही यहाँ पे उनके कोच ने भी बताया था, मतलब आप समझ रहे हो ना, उनके कोच ही एक्सपर्ट वाली बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बॉलर के अंदर कौन है, यहाँ से स्टेला चैम्बल, जो आपसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे डालना वुमेन के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, इनकी स्पीड जाती है 110 या 105 मैक्सिमम, वुमेन की जो बॉलिंग कराते हैं ना फास्ट बॉलर्स उनकी 115 पे स्पीड डालती है, तो अपनी एनरिच नोटेगी हो सकती है पूरी, नोकिया अपने एनरिच नोकिया है ना उसकी तरह हो सकती है पूरी इस WBBL के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्रैंडली के अंदर ट्राई करना है, पहले 2 मैचेस में देख लेना किस तरह से बॉलिंग कराती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहना चाहिए इसका भी, तो परफॉर्मेंस देगी। सिल्वर होम्स इनके साथ स्टेप अप करेगी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने आपको कहा था, एक तो चैम्बल अपनी पेस के लिए जाने आती है और सिल्वर होम्स अपने वेरिएशंस के लिए जाने आती है। पिछले साल बहुत शानदार गेंदबाजी रही थी और ये इनकी कोच ने कहा, सोवर इनका नाम था कोच का, मेरे हिसाब से एक्सपर्ट व्यू क्या है, यहाँ पे एक्सपर्ट व्यू ये रह रहा है कि यहाँ पे जो क्रिस्टन बीम्स है वो सबका यहाँ पे एक्सपर्ट व्यू दे रही है कि द वे एसला हेली लीड्स दैट बैटिंग लाइनअप इज द की टू दैट सक्सेस, मतलब कि वो जिस तरह से खेलेगी वो डिपेंड करेगा, और यहाँ पे इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक लग रहा है, मिडल ऑर्डर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से ये टीम फाइनल तक जा सकती है। फिक्स्चर्स आप देख सकते हो, पहला मैच इनका थंडर्स के सामने,
फिर 26 को, फिर 31, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 8 को, फिर 11 को, फिर 14, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 21, फिर 22 को, और कोई भी फर्दर अपडेट्स है वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो ही अपना BBL रहेगा। लाइक करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, @StatsGuruji सर्च करना है, 40,000+ चैनल मिल जाएगी, तो मिलते हैं टेलीग्राम के अंदर। जय हिंद मेरे दोस्तों, देखते रहिए @StatsGuruji।